तो दोस्तों आज हमारे पास में एक स्पोर्ट आई है स्मार्ट की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो देखते हैं इसमें। ये देखिए इसका सेंटर लॉक प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, ये हमारा लॉक का जो साइन है, ये लॉक का साइन हमारा स्टील है, ये हमने पुश बटन प्रेस करा उसके बाद में इग्निशन में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन सेंटर लॉक हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले इसको डायग्नोस करेंगे। फोर्ड यूएसए ऑटोमेटिक डिटेक्शन। ये हमारा इश्यू स्कैन नहीं होगा पीसीएम, क्योंकि हमारा इग्निशन जो है ऑफ है। तो हम सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन करेंगे। ये हमारे पावर विंडो ऑफ है, ये हमने बटन प्रेस करा, पावर विंडो ऑफ है। तो हम इधर से डायरेक्ट हमारा ग्लो बॉक्स के पीछे ये फ्यूज बॉक्स होता है, तो ये हमारा विंडो चलने लगा, मतलब हमारा इग्निशन ऑन हो गया है। लेकिन ऑन तो हो गया है, लेकिन मीटर पे अभी भी लॉक हमारा स्टील है। हमने इग्निशन को डायरेक्ट किया है, ये इग्निशन वन इग्निशन की रिले है, ये 30 और 87 के हमने पॉइंट मिला दिए। हम चाहें तो डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, एक वायर घुसड़ दे, और ये हमने रिले बांध दी है। अब ये रिले लगा दी, मतलब इग्निशन हमारा डायरेक्टली ऑन हो गया है मीटर पे, लेकिन साइन नहीं आया, अभी इग्निशन ऑन नहीं हुआ। तो इसको स्कैन करके देखते हैं अब हमारा पीसीएम स्कैन हो रहा है नहीं हो रहा है। सिस्टम सिलेक्शन पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, ये हमारा पीसीएम कनेक्ट हो गया है। ये सारे फॉल्ट कोड दे दिए, स्टार्टर रिले और लो सिस्टम वोल्टेज, थ्रॉटल पेडल पोजीशन, पावर इनपुट सिग्नल ऑफ इंजन, कूलेंट मोड कंट्रोल मॉड्यूल। तो इसको क्लियर करेंगे हम। अब आता है दूसरे नंबर पे रजिस्ट्रेशन कंट्रोल मॉड्यूल। रजिस्ट्रेशन जो हमारा ड्राइवर साइड की सीट के नीचे मॉड्यूल लगा रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम स्मार्ट की में उसी का रहता है, जो हमारा इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन इग्निशन हमने डायरेक्ट जो रिले ऑन किए उस कंडीशन में तो हमारा इग्निशन ऑन होना चाहिए। ये भी हमारा कनेक्ट हो गया है, ठीक है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, पावर स्टेयरिंग है, ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी अगर हमने रिले हमने हमारी तरफ से डायरेक्ट कर दिए तो। अब सबसे मेन चीज़ हमें देखना है हमारे क्लस्टर में जो लाइट नहीं आ रही है, तो क्लस्टर चेक करना है सबसे पहले, चालू करना। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट चेक पैनल कंट्रोल मॉड्यूल आईपीसी, ये हमारा क्लस्टर कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब हमारा जो क्लस्टर है उसका फॉल्ट है, क्योंकि हमारा पीसीएम भी कनेक्ट हो रहा है और सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं सिर्फ क्लस्टर छोड़ के। तो सबसे पहले हम इसका क्लस्टर खोलते हैं। ये हमने क्लस्टर की प्लेट लगाई है हमारे पास से, तो ये हमारा इग्निशन ऑन हो गया डायरेक्ट ऑन है मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने रिले डायरेक्ट ऑन करी थी पकड़ो, अब इसको हम वापस से ओरिजिनल करेंगे, निकालो भाई।
ये रिले हमने लगा दी है। अब ये इग्निशन ऑन करते हैं। सेंटर लॉकिंग हमारा, ये लॉक, अनलॉक, अब ये बटन प्रेस, स्टीयरिंग हमारा अभी लॉक पोजीशन पे है, अनलॉक पोजीशन पे, तो हमारा टर्न इग्निशन ऑन होना चाहिए। लेकिन अभी कोड आ रहा है हमारा स्क्रीन पे, स्टीयरिंग लॉक माल फंक्शन सर्विस नो। तो ये भी हमें रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि हमारा इग्निशन ऑन इसलिए नहीं हो रहा है। ये हमारा ESL मॉड्यूल भी कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट तो हो रहा है ये, बाकी लॉक और अनलॉक पोजीशन पे नहीं आ रहा है। और हमारा क्लस्टर जो कनेक्ट नहीं हो रहा था, हमने चेंज किया तो वो भी होने लगा। RCM वार्निंग लैम्प, डेटा नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, स्मार्ट की में जरूरत नहीं रहती है। तो ये हमारा ESL मॉड्यूल, इसको खोलने का सबसे शानदार तरीका, ये पिन जो है हमारी हल्की सी अंदर ठोकना है, और एक पिन ये रही, ये थोड़ी सी अंदर ठोकना है, और इसमें दो पॉइंट आते हैं, जब स्टीयरिंग लॉक होता है तो एक बटन दबता है, प्रेस होता है, और एक खुलता है, जैसे ये प्रेस हुआ, ये खुल गया, ये बटन दबा हुआ रहता है प्रेस, तो यहाँ से हमारा सिग्नल जाता है, ये अनलॉक हो गया। तो ये हमारा ESL मॉड्यूल रिपेयर हो गया है। अब स्टीयरिंग हम इग्निशन चेक करते हैं, ऑन हो रहा है नहीं। इमीटर हमारे पास से हमने प्लेट लगाई है नहीं, क्योंकि पुरानी प्लेट इसकी ख़राब हो गई थी। ये हमारा इग्निशन ऑन, इग्निशन ऑफ, ऑन, तो इस पर हम प्लेट लगाएंगे। जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सी स्टार लाइट, चेक लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट। तो गाड़ी हो गई है हमारी स्टार्ट। थोड़ा सा सेल्फ हमारा वीक है, सेल्फ मारते हैं तो थोड़ा सा टाइट घूमता है सेल्फ, बाकी गाड़ी हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।